आज है ना नवरात्रि का पहला दिन है और हमने शैलपुत्री माता की अभी अभी पूजा की है। 9 दिन तक दुर्गा माता की अलग अलग रूप की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये है अखंड ज्योति जो हमेशा हमेशा 9 दिन तक जलनी चाहिए, हमेशा घी डलना चाहिए इसमें। बहना, हम आपके साथ हैं। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि ये अखंड ज्योति हमेशा जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे। बोलो अंबे माँ की जय। शुक्रिया भाई साहब। और 9 दिन तक हम दुर्गा माता के लिए व्रत रखेंगे। किसी ने भी बेहुदा किस्म की बातें की तो हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे। रानी साहब, हम वादा करते हैं कि हम कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे, और गलती से अगर आपने कोई बेहुदगी की बात कर दी तो उसे नजराना समझकर हम कबूल करेंगे। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि आपके खाने पीने का हम पूरा ख्याल रखेंगे, हम खुद अपने हाथों से फल काट काट के आपको खिलाएंगे। बहना, नवरात्रि का त्योहार है, महल में तो जश्न होना ही चाहिए। इस बार हमने सोचा है कि नवरात्रि में हम डांडिया की प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें सब लोग अपनी अपनी जोड़ी बनाकर डांडिया खेलेंगे और जीतने वाले को अव्वल जोड़ी का किताब मिलेगा। ये डांडिया क्या होता है रानी साहिबा? जहां पना, डांडिया एक नृत्य का ऐसा प्रकार है जिसमें लोग अपने हाथों में 2 डंडी पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। इस बार हम सोच रहे जहां पना के हम भी ये डांडिया का आयोजन रखे अपने महल में, क्या हम रख सकते हैं? रानी साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके और भगवान के बीच हम कभी आए हैं? और भगवान खुदा सब एक ही है रानी साहिबा। बोलो अंबे मात की जय। चलिए चलिए, आप सब लोग अपनी अपनी जोड़ी बनाइए क्योंकि डांडिया जोड़ियों में खेला जाता है। अभ्यास शुरू कर दीजिए, चलिए जाइए। बस रानी साहिबा, ये हमसे नहीं होगा ये सब। आपको खाने पीने और सोने के अलावा और कुछ भी आता है? अच्छा, तो हमारी इतनी बड़ी रियासत अपने आप ही चल रही है? रानी साहिबा, दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, यूं ही हमें बादशाह सलामत नहीं कहते। हाँ, ये भी कोई मेहनत है? मेहनत तो लोग हमारे यहाँ किया करते थे। और क्या मेहनत करते थे, क्या मेहनत करते थे कि मेहनत भी थक जाती थी लेकिन लोग नहीं थकते थे। चलिए चलिए, हमें ना डांडिया प्रतियोगिता में अव्वल जोड़ी का खिताब चाहिए। चलिए चलिए करिए। आप हमें जरा ये बता दीजिए कि अगर हम दोनों हिस्सा लेंगे तो अव्वल जोड़ी कौन सी है, ये फैसला कौन करेगा? हमारे भाई साहब। आपके भाई साहब, आपके भाई साहब ये फैसला नहीं कर पाते कि वो अपनी चोटियों को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, वो अव्वल जोड़ी का फैसला करेंगे। जहां बना खबरदार, अगर भाई साहब के बारे में एक शब्द कहा तो। चलिए चलिए, आप ये अभ्यास शुरू कीजिए, चलिए डांडिया सीखिए। रानी साहब, छो आप। चलिए अभी। आओ, रानी साहब क्या कर रही हैं आप? इस तरह हम आपके साथ खेलते रहे तो हम अपने हाथ ही खो देंगे। सोच लीजिए जहां पना, अगर आपने हमारे साथ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया ना तो जिंदगी भर हम आपसे बात नहीं करेंगे। सच? सच। उसके बाद सिर्फ हमारी माँ आपसे बात करेगी। नहीं 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 रानी साहिबा, हम प्रतियोगिता में आपके साथ हिस्सा लेंगे लेकिन हम आपसे सीख नहीं सकते। रानी साहिबा, आप सीखने का कोई और तरीका सोचिए ना। चाहपना, एक मशवरा दे आपको। हम ना कहेंगे तो आप नहीं देंगी? नहीं, फिर भी देंगे ना। तो दीजिए। आप किसी नर्तकी से डांडिया क्यों नहीं सीख लेते? ये सही है, आज उर्वशी से सीखते हैं। उर्वशी से सीखते? उसे डांडिया वांडिया नहीं आता, बस यूं यूं हाथ घुमाती रहती है। वो तो छोड़िए छोड़िए बोलेगी और डांडिया ही छूट जाएंगे।
आप किसी ऐसी नर्तकी को बुलाइए जो डांडिया सिखाने में माहिर हो। ठीक है, तो आज ही हम महल में एक ऐसी नृत्यिका को बुलाते हैं जिसने डांडिया में महारत हासिल की हो। वो देख वासु, गिरा हुआ इंसान कैसा लगता है? ऐसा लगता है हम जो देख रहे हैं वो आप देखोगे तो आप भी गिर जाओगे। अरे शाही खून है हम, हमें गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आदत नहीं है, ये शौक है हमारा, शाही खून है हम। अरे तुम लोग यहाँ उठो, उठो, क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से। आपकी तारीफ। तारीफ तो उस खुदा की जिसने हमें बनाया। वैसे तो हमारा नाम रूपाली है और सब हमें प्यार से रूप कहते हैं। बादशाह सलामत अकबर ने हमें बुलाया है उन्हें डांडिया सिखाने। आप क्या इसी तरह मिमी आते हैं? नहीं, आपको देख के हमारी बोलती बंद हो गई है। आपसे ही सीखेंगे डांडिया, ये बात तो तय हो गई है। शाही खून है हम तानसेन जी, इसलिए इनसे डांडिया सीखने का पहला हक सिर्फ हमारा है। हाँ, मैं भी इनसे डांडिया सीखूंगा। ठीक है, पहले हम जहापना से मिलेंगे और वो जिसे कहेंगे हम बस उन्हीं को डांडिया सिखाएंगे। ठीक है, आइए आइए, चलिए हम आपको जहापना के पास लेके चलते। शाही खून है हम, इसलिए इन्हें जहापना के पास हम ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, शहजादे सलीम, ये काम हमारा है, राजा दरबान हम हैं, जहापना के पास तो हम ही ले जाएंगे। आइए चलिए चलिए। हम इन्हें लेकर जाएंगे। ये जहांपना को डांडिया सिखाने आई हैं। महारानी को रूपाली का प्रणाम। प्रणाम। तो तुम हो जो जहांपना को डांडिया सिखाओगी? जी, और हम वादा करते हैं कि हम पूरा दिल लगा कर जहांपना को डांडिया सिखाएंगे। ओ, दिल लगाना छोड़ो, सिर्फ डांडिया सिखाओ। दिल लगाने वाली बात ना हम कर लेंगे। जी, हम कुछ समझे नहीं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आपको इस महल में रखे या जाने को कहे। अम्मी जान, ये मेहमान है हमारी, और आप ही तो कहती हैं कि घर आया मेहमान भगवान के समान होता है, और आप कह रही कि आप इन्हें निकाल देंगी। नहीं, बस ठीक है, आप रुक जाइए, लेकिन रूपाली सिर्फ और सिर्फ जहांपना को ही डांडिया सिखाएगी, क्योंकि अव्वल जोड़ी का खिताब सिर्फ हमें जीतना है। अब कौन रूपाली को
मेहमान खाने तक छोड़ेगा। सलीम, तानसेन जी, वासु, भाई साहब, सब लोग जाइए, जाइए आप लोग बाहर। हाथ नीचे, जाइए। राजा दरबान, रानी साहिबा, आप जरा इन्हें मेहमान खाने तक छोड़ के आएंगे? बिल्कुल रानी साहिबा, आइए। क्या कर रहे हो? जहां पनाह के पास लेकर जा रहे हैं। जहां पनाह के पास नहीं, मेहमान खाने। और आपकी जूतियां कहां हैं? ये पहनिए जल्दी, जाइए, छोड़कर आइए। माल के लोग, रुकिए, रुको रुको, हम जाएंगे। रुको, रुको। अरे ये डांडिया तो भारी पड़ने वाले। चाह पना शुरू करें? शुरू करते हैं, करते हैं शुरू, जल्दी क्या है? जहां पना, क्या चल रहा है जहां पना? जहां पना, कैसे चल रहा है आपका सीखना? ये ठीक से सिखा रही है कि नहीं? सिखाएंगे तो तब ना, जब जहां पना सीखेंगे। क्या आप सीख नहीं रहे हो ठीक से? हम सीख रहे हैं। अरे सीख तो रहे हैं हम, अब सीखने में वक्त लगता है, धीरे 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 ही तो सीखेंगे। ठीक है ठीक है, आप डांडिया सीखो, हम यहाँ बैठ जाते हैं, आप सीखिए, यहाँ बैठकर हम अपने मिर्ची पकौड़े खा रहे। चलिए अनिसा, आपका तो व्रत है, आप व्रत में मिर्ची वड़े कैसे खा रही हैं? ओहो जहाँ पना, ये सिंगाड़े के आटे से बने हैं, व्रत में खा सकते हैं। वैसे हमने सबके लिए बनाए हैं, आप एक बार डांडिया सीख जाओ, आपको भी खिलाएंगे। हमें तो लगता है कि जब आपका व्रत नहीं होता है उस दिन सच में आपका व्रत होता है, क्योंकि उस दिन आप जितना सा खाते हैं उससे कई ज्यादा आप अपने व्रत के दिन पर खाते हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, हम देखिए रानी साहिबा, आप इस तरह हमारे सर पे बैठी रहेंगी तो हम कैसे सीखेंगे? हम आपको इस खूबसूरत बला के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। तब आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमारी माँ कहती है मर्द का दूसरा नाम होता है ना भरोसा। हमारे अब्बा हुजूर औरतों के बारे में क्या कहते थे ये अगर हमने आपको बता दिया तो क्या? फिर छोड़िए, अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हमें सीखना ही नहीं है। हम नहीं सीखते हैं डांडिया, हम नहीं सीखेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं नहीं, जहां पना, जहां पना, जहां पना, जहां पना, आप आराम से डांडिया सीखिए, हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं, हम ये मिर्ची वड़े खत्म करके थोड़ी देर में साबूदाना खीर लेकर आते हैं। आप डांडिया सीखिएगा। हाँ ना भरोसा। कोई व्रत में इतना कैसे खा सकता है? और देखिए रूपाली, आप भी समझ लीजिए, हमें डांडिया नहीं सीखना है। ये उर्वशी कहां रह गई? इन दो दंडों के साथ हम करें क्या? सलीम और वासु दोनों हमारे पीछे पड़ गए, ना हमें पीने देते, ना खाने देते, ना चैन से सोने देते हैं। अरे दोनों पीछे पड़े हुए हैं कि डांडिया प्रतियोगिता में हम ही आपकी जोड़ीदार बनेंगे। लाला 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 डांडिया, उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी, कहाँ है आप? हम यहाँ नहीं है। उर्वशी जी बताइए ना, हम आपसे कब से पूछ रहे हैं कि आप हमें डांडिया सिखाना कब शुरू करेंगी? कभी नहीं। और वैसे भी हम आपको डांडिया क्यों सिखाएं? आप दोनों तो रूपाली से सीखने वाले थे ना, तो जाइए जाइए उसी से सीखिए। हाँ। अरे हम नहीं, ये वासु सीखना चाहता था उससे, हमें तो आपके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। उर्वशी जी क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वासु बीरबल जी आप अपनी आंखें बंद करिए, क्योंकि हम आपके प्यार में अंधे हो चुके हैं। अब आप खोल सकते हैं। अंधे भाई साहब, दिखाई नहीं देता, सुनाई तो देता है ना? और झूठ क्यों बोल रहे थे उर्वशी जी? मैं नहीं, ये डांडिया सीखने वाले थे रूपाली से।
मैं तो सिर्फ उर्वशी का ही दीवाना हूँ। बीरबल जी, अब आप ही समझाइए ना उर्वशी को कि वो हमारे साथ डांडिया में जोड़ीदार बन जाए। कोशिश भी मत कीजिएगा। ये बताइए शहजादे सलीम वासु, आप उर्वशी के साथ ही जोड़ी क्यों बनाना चाहते हैं? उससे डांडिया क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि हम उसे प्रभावित कर पाए। उर्वशी को प्रभावित करना है ना, तो आप किसी और के साथ जोड़ी क्यों नहीं बनाते? नहीं समझे? अरे आप किसी और के साथ जोड़ी बनाइए और इस डांडिया प्रतियोगिता में अव्वल जोड़ी का खिताब जीतिए, तब पता चलेगा उर्वशी को कि आपके साथ जोड़ी बनाना कितने गर्व की बात है। क्यों? बीरबल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम किसी और के साथ जोड़ी बनाएंगे और दिखा देंगे उर्वशी को कि हम भी शाही खून हैं। अरे हाँ बीरबल जी, मतलब उर्वशी इसके बाद खुद हमारे पीछे आएगी। हाँ, जल कुकड़ी, प्यारी प्यारी जल कुकड़ी। क्या था वो आपका? अरे दिमाग, वाह बीरबल जी, दिमाग, वाह। इन दोनों को क्या पता कि उर्वशी इनके पीछे कभी नहीं आएगी, क्योंकि उर्वशी तो हमारे पीछे पड़ी है। उर्वशी तो हमारे आगे खड़ी, हम उर्वशी के पीछे पड़े। बस कीजिए ना, ये अब आज के लिए काफी हो गया, अब बाकी का कल सीख लेंगे। ठीक है। आप क्या सारा दिन गुड़ खाती हैं? जी नहीं। फिर आप इतनी मीठी कैसे हैं? क्या आपको इस बात का इल्म है कि आप इतनी खूबसूरत हैं? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे इस महल में हमारे साथ रहें। लेकिन जहांपनाह, हम जैसे कनीस, आप जैसे शहंशाह के साथ इस महल में कैसे रह सकती हैं? एक तरीका है। क्या? आप हमारे साथ निकाह कर लीजिए। कहिए, करेंगी हमसे निकाह? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं और हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। सच? मुझ? लेकिन फिर रानी साहिबा का क्या होगा? अरे उन्हें हम पर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, उनको आप पर छोड़ दिया तो आपका क्या होगा? नहीं, वैसे मत छोड़ दीजिए, हमारा मतलब है इस बात को छोड़ दीजिए। नवरात्रि के खत्म होते बादशाह अकबर अपने निकाह का ऐलान करेंगे। अब आपको हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ना।